वेलकम बैक टू माय चैनल आज तक की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए सालसा पराठा रोल की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही क्विक बनती है और बहुत डिलीशियस होती है टेस्ट में। व्यूअर्स, रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज आप तक पहुँच सकें। चले बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम अपने इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमें इस रेसिपी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 1/2 kg बोनलेस चिकन चाहिए, 1 शिमला मिर्च लेंगे ऐसे बारीक कटी हुई, 1 प्याज लेंगे ऐसे बारीक चॉप कर लेंगे, 1/2 cup मायोनीज, 1/2 cup केचप, 1 tablespoon चिली सॉस, 1 tablespoon सिरका, 1 tablespoon सोया सॉस, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर और 1/2 teaspoon सॉल्ट। और व्यूअर्स, इसके लिए हमें पराठों की ज़रूरत होगी पराठा रोल के लिए, तो हम यहाँ पे डॉन के पराठे यूज़ कर रही हूँ मैं। आप कोई भी पराठे किसी भी कंपनी के यूज़ कर सकते हैं और खुद घर पे बनाए हुए पराठे भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए व्यूअर्स, अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, अब सबसे पहले चिकन को बॉइल करने के लिए हम बर्तन को फ्लेम पे रखते हैं, मीडियम फ्लेम पे। हम 1 glass पानी में इसमें हम चिकन डाल देंगे। सोया सॉस, चिल्ली सॉस, सिरका, काली मिर्च हम 1/2 लेंगे, 1/2 हम एंड पे डालेंगे। नमक भी 1/2 डालेंगे अभी। अब हम इसको तब तक के लिए पकाएंगे जब तक इसका पानी बिल्कुल खुशक हो जाए और चिकन गल जाए। जब तक हमारा चिकन बॉईल हो रहा है, हम तब तक अपनी वेजेस को सॉटे कर लेते हैं। वेजेस को सॉटे करने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच ऑयल का डालेंगे, 1 मिनट के लिए हमें सॉटे करना है, फिर हम निकाल देंगे। ये देखिए मीडियम हीट पे रखा हुआ है, हीट भी ज्यादा तेज नहीं करनी, नॉर्मल रखनी है। ये ऑलमोस्ट हो गई है, हम इसको ऊपर निकाल दें। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और अब हम इसको निकाल देते हैं। जिसमें हम अपना मटेरियल तैयार कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट उसी के अंदर निकाल रही हूँ। ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल बॉईल हो गया है, का पानी भी बिल्कुल खुशक हो गया है। पानी हमने अंदर ही खुशक करना है,
क्योंकि अगर हम इसका पानी निकाल देंगे तो चिकन का सारा टेस्ट साथ ही निकल जाएगा। इसके अंदर हमने मसाले ऐड किए हैं तो हम ऐसे ही इसको ड्राई करेंगे। अब हम इसको निकाल के इसको शेड कर लेते हैं। चिकन हमारा शेड हो गया है। अब हम अपना मटेरियल रेडी कर लेते हैं। मटेरियल रेडी करने के लिए हम इन वेजिटेबल्स में चिकन भी ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें केचप ऐड करते हैं। काली मिर्च, नमक। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम पराठों की तरफ चलते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम पराठों को बनाएंगे। एक चम्मच ऑयल, एक तरफ से हो गया है। अब हम इसका ये हमारा पराठा दोनों तरफ से हो गया है। व्यूअर्स, अब हमारे पराठे रेडी हैं, मटेरियल भी रेडी है। अब हम पराठों को रेडी करते हैं। बटर पेपर यूज करेंगे। आप इस मटेरियल को बना के रख भी सकते हैं। 1 वीक तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। फ्रीजर में नहीं, फ्रीजर में फ्रीज हो जाएगा। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वेजेस भी अंदर डाली हुई हैं, हमने इसके अंदर चिकन भी डाला हुआ है, सॉसेज भी अंदर ही डाले हुए हैं। हमें इसको कोई भी और चीज डालने की जरूरत नहीं है। हम दूसरा भी रेडी कर लेते हैं। आप बच्चों को ये रेसिपी बना के खिलाएं, बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी से बच्चों को वेजीज भी, जो बच्चे नहीं खाते वो भी खा लेंगे। पराठे हमारे रेडी हो गए। अब हम इसको सर्व करते हैं। Thank you.
हमारी सर्विंग रेडी है। व्यूअर्स, आप मेरी रेसिपी को जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई करिएगा, ट्राई करके मेरे साथ फीडबैक भी शेयर करिएगा, मेरे इंस्टा के पेज पे शेयर करें या कमेंट करके आप मुझे बताएं, ज़रूर शेयर करिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।